मेरे कज़न एफसी में हैं, अब उनका इंतकाल हो गया है, गाड़ी उल्टी है। एजाज के साथ जो है उनको सुपुर्द खाक किया गया है। दोस्तों अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं भाई? ठीक हैं। ब्लॉगिंग का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है हमारा, बस कुछ ताफीरी हलवे जो है वो आजमा रहे थे हम लोग। तो चले जी। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। बड़े दिनों के बाद मैं और हानिया जो है वो निकले हैं बाहर। ओके, कचरा कुंडी कभी ख़त्म नहीं होगी भाई कराची में। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हमारे साथ है, ठीक है। तो भैया जी, हानो हो चुकी हैं अपनी नानों के साथ मसरूफ़, तो चले उनको मसरूफ़ रहने देते हैं हम, और आप लोगों से दो चार बातें करनी है। हाँ यार, बातें करते हैं। हाँ ये कर लो पहले। उस पेड़ के नीचे बैठ के बातें करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा वैसे। क्या ख्याल है? चल बस, बुलाएगा क्या? तो बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग ब्लॉगिंग में नहीं थे, मैं, हानो और धन्नो, हम तीनों आपके साथ मौजूद नहीं थे, लेकिन आज हम तीनों आपके साथ मौजूद हैं जी। पिछले दिनों हमारी जो है वो सिचुएशन कुछ यूँ रही है कि मेरे कज़न एफसी में हैं, थे मतलब, अब उनका इंतकाल हो गया है, गाड़ी उल्टी है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात हम सबके लिए है कि एजाज के साथ जो है वो उनको सुपुर्द खाक किया गया है हमारे अपने गाँव में। तो चलें, खैर आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग वो वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, वीडियो के बाद जो है वो हम वापस हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। कहते ना दोस्तों कि मरना जो है वो सब नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर जो है वो इस तरह एजाज के साथ जो है वो और कौमी एजाज के साथ उनको सुपुर्द खाक किया जाए तो क्या ही बात है। और वैसे भी कहते हैं कि शहीद जो होते हैं वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं, हमारी बातें भी सुनते हैं, उनको ख़ुराक भी जो है मैसर आती है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब कुछ शुहदा में शामिल करें, अल्लाह पाक हम सबको जो है वो शहीद का रुतबा जो है तौफीक अता करें।
यहाँ पे आपने सिर्फ दो चीजों का ख्याल रखना है, एक उस दुश्मन का जो मक्का से हमारे सामने बैठा हुआ है, और एक मौसम का। हम में से कोई शहीद हो जाए तो ये मत समझना कि कोई नुकसान हुआ, बल्कि ये समझना वो हमसे आगे सबकत ले गया।